हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी वैश्वी एंड वेलकम टू मैग्नेट ड्रीम्स सर स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग अपनी क्लास इलेवेंथ इकोनॉमिक्स का जो टर्म टू का मास्टर प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मतलब कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि टर्म टू से रिलेटेड मेरा क्या अप्रोच है आपकी प्रिपरेशन को करवाने के लिए और मैंने क्या क्या चीजें करवा दी है कंप्लीट और क्या क्या चीजें जो हैं वो अभी है बाकी और जो अभी बाकी है वो कब तक होने वाली है कंप्लीट ये चीज भी जो है हम लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो में ओके okay. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये जो अपना पूरा मास्टर प्लान है उसे समझने से पहले जो हमारा सिलेबस है जो कि आने वाला है हमारे इस पर्टिकुलर टर्म टू में वो देख लेते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि इलेवेंथ इकोनॉमिक्स में दो बुक्स है हमारी कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट तो आप दोनों का ही जो सिलेबस है वो एक बार देख लेते हैं और फिर जो है आगे हम इसका मास्टर प्लान देखते हैं नाउ स्टूडेंट्स अभी तक का जो सर्कुलर दिया गया है बाय सीबीएसई उसके अकॉर्डिंग जो टर्म टू एग्जाम है वो क्या होगा वो सब्जेक्ट

कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से जो है ये चेंज करना पड़े जो हमारा सब्जेक्टिव वापस ऑब्जेक्टिव करना पड़े तो उस चीज का जो है सर्कुलर सीबीएसई दे ही देंगी तो जैसे ही सीबीएसई अनाउंस करेगी वैसे ही मैं भी आप लोगों को अनाउंस कर ही दूंगी कि ऐसा ऐसा है स्टूडेंट्स तो इस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है न बात यह आती है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों ना इस वे से की जाए कि आपका सब्जेक्टिव भी कवर हो जाए और आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाए राइट तो इसलिए स्टूडेंट्स ये आप बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिए ध्यान रखिए इस बात को और उसी वे में आपकी प्रिपरेशन कीजिए कि जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसे ऐसे पढ़ो कि चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव बेस पर हो या पेपर सब्जेक्टिव बेस पर हो आपका जो पूरा अ, सिलेबस है वो आपको इस, वद, इस तरह से पढ़ना है कि जिस भी काइंड का एग्जाम होगा आप उसके लिए रेडी हो ये नहीं कि आपने सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ लिया फिर लास्ट मोमेंट पर पता चल रहा है कि अब ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है तो अब आप लोग घबरा गए कि अब क्या होगा क्योंकि हमने तो सब कुछ सब्जेक्टिव के बेसिस से पढ़ा है तो इससे अच्छा है ना कि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को ही क्या कर लो कंप्लीट कर लो ठीक है तो कैसे पढ़ना है ऐसी पढ़ाई करनी हमें हमें ऐसा प्रिपरेशन करना है जिसमें हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए ठीक है न बात करें हम अपने सिलेबस की स्टूडेंट्स या फिर सिलेबस के पहले जो ये मार्क्स है इसका देखें तो देखो 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ था आपका कौन सा टर्म वन का सेम 40 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका टर्म टू का और 10 मार्क्स रहेंगे आपके टर्म टू प्रोजेक्ट में ओके okay? तो टोटल जो टर्म टू वो फिफ्टी मार्क्स का हुआ और वैसे ही टोटल टर्म वन फिफ्टी मार्क्स का हुआ था फोर्टी आपके एग्जाम के लिए थे और टेन मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के थे सेम टू ठीक है यही चीज होने वाली है अब जब आपका सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर होगा तो आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा टू आवर्स का जो है ये आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है अब आपके पास में चैप्टर्स कौन कौन से आने वाले हैं तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्स को रिलेशन एंड इंडेक्स नंबर ओके तो बेसिकली अगर हम आप अगर हम लोग अपनी एनसीआर या कोई भी रेफरेंस बुक खोलेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हमारे तीन चैप्टर्स जो है वो इसमें आने वाले हैं डिस्पर्स आएगा को रिलेशन measure, आएगा, आएगा और इंडेक्स नंबर आएंगे बहुत ही सिंपल सिंपल से ये हमारे क्या है चैप्टर्स uh, है जो कि आने वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेस था मीन मीडियम मोर और सब कुछ तो आप लोगों का टर्म में ही जो है फिनिश हो गया टर्म टू में जो है ये भी आपके न्यूमेरिकल बेस होता है इसमें भी आपका मेजर्स ऑफ में तो आप लोग मीन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन रेंज वगैरह सब कुछ पढ़ते हो तो वो जो है है न्यूमेरिकल बेस तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कवरेज नहीं होगा अगर हम इन तीनों को बोले तो ठीक है तो को बहुत ही ईजी सा हमारा ये चैप्टर है इंडेक्स नंबर भी बहुत ईजी चैप्टर है जो इन तीनों में हम बोले थोड़ा लेंदी चैप्टर है जिसमें ज्यादा कंसेप्ट है वो है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन लेकिन जब मैं हूं आप लोगों के साथ में तो आपको घबराने की बात ही नहीं है क्योंकि मैं जो हूं आपका एक एक चीज अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो ये जो तीनों ही चैप्टर हैं, ये मिला के आपके 17 मार्क्स के होने वाले हैं दैट मीन्स जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो टोटल कितने मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स वो उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 17 मार्क्स के ठीक है फिर जो बच्चे हुए हैं दैट इज 23 मार्क्स है वो एग्जाम होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में से अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो देखें हम लोग तो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर बिहेवियर एंड सप्लाई ठीक है है देखो हम लोगों ने जो है अपने टर्म में कंज्यूमर डिमांड डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो कंसेप्ट है वो वहां पर हो गया हमारा कंप्लीट अब बात आती है जो आपका टर्म टू है तो बचे हुए चैप्टर्स ही आएंगे तो यहाँ पर क्या है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई ठीक है हम लोग यहाँ पर समझेंगे प्रोड्यूसर के बिहेवियर को और सप्लाई को और ये चैप्टर आएगा जो कि कितने मार्क्स का इसका वेटेज है थर्टीन मार्क्स का वेटेज आपके इस चैप्टर में से है और फिर जो बचा हुआ चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विप्लीकेशन ये होगा आपका टेन मार्क्स का ठीक है तो इसमें हम बेसिकली मेन मार्केट फॉर्म्स और जो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर है वो आ गया आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है बहुत ही ज्यादा इजी जो है वो है तो आई गेस की आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये ये जो है ये टोटल का का, हुआ, ये हुआ ये तो टोटल कितने हो गए आपके फोर्टी मार्क्स हो गए अब सिलेबस तो आ गया हमें समझ में अब बात आती है कि मैंने आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है और मैं और फर्दर क्या क्या कंप्लीट करवाने वाली हूं तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग जो हो डेली एक मेरे मतलब कि एक रेगुलर स्टूडेंट हो अगर आप तो आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी तो ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ लेकिन उसी के साथ साथ में मैं आप लोगों को आपकी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग वो भी कंप्लीट करवा रही हूँ राइट उसके भी वीडियोज आप लोगों को अब जो है मिलने लग गए हैं है ना तो सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग जो हैं अपना ये जो पूरा जो हमारा हम बोले एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है उसमें एनसीईआरटी सिलेबस तो है ही है साथ ही साथ में जो हमारा आ, कोई रेफरेंस बुक है लाइक हम लोगों ने कौन सी रेफरेंस बुक ली है संदीप गर्ग ली है तो संदीप गर्ग जो है वो भी मैं आप लोगों को पूरी सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए राइट right. तो अब पहले जो है एनसीईआरटी की बात करते हैं फिर हम संदीप गर्ग को देखेंगे तो क्या एनसीईआरटी में कंप्लीट चैप्टर हो चुके हैं क्या Yes बिल्कुल हो चुके हैं जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है एक एक टॉपिक का वो हो गया है हमारा क्या कंप्लीट उसके बाद में स्टूडेंट्स उसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो भी हो गए हैं क्या यस yes, वो भी जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पढ़ना क्यों जरूरी हो जाएगा अब क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो कैसा है सब्जेक्टिव बेस पर पूछा जाएगा ठीक है तो जब सब्जेक्टिव एग्जाम है तो हमारा जो है कांसेप्ट uh, ऐसे क्लियर होने चाहिए कि हमें आंसर्स लिखते आते हो एनसीआरटी सोल्यूशन में क्या है क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन को किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है वो हमें आना चाहिए कितने मार्क्स के लिए हमें कितना जो है लिखना है वो हमें पता होना चाहिए तो इसलिए जो है एनसीआरटी सोल्यूशन करना जरूरी है जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूं फिर बात आती है प्रैक्टिकल्स की हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल होते हैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर में तो है आपके प्रैक्टिकल्स लास्ट का वो आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में आपके क्या है प्रैक्टिकल्स हैं तो प्रैक्टिकल्स करना भी क्या हो जाता है जरूरी हो जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूं ये सब कुछ आपको मिलेगा कहां पर कौन सी प्लेलिस्ट में तो देखो प्लेलिस्ट ध्यान से देख लेना यहां पर आप लोग आप लिखोगे इलेवेंथ इकोनॉमिक्स इसमें जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगा इलेवेंथ इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एन सी आर टी ओके ये जो है ना एन सीई आर टी को ध्यान देना कि आपको वो चीजें चाहिए तो आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी आपके लिए पहले तो टॉपिक वाइज उसमें हर एक चैप्टर एक्सप्लेन है ठीक है किस सिस्टम में वापस चल रहा है वो बता रही हूं मैं उसके बाद में हर एक टॉपिक के जहां जहां पर जरूरत है जैसे कि एक टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक के कुछ प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं तो एक टॉपिक मैंने आपको समझाया नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके मैंने आपको प्रैक्टिकल्स सॉल्व करवाए हैं ठीक है थीके? तो आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा वहां पर आपको आपके प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे और फिर जब हमने अपना एक एक टॉपिक पढ़ लिया एक एक प्रैक्टिकल जो है समझ लिए तो उसके बाद में आएंगे आपके एन सीई आर टी सल्यूशन ठीक है तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल इसी मैनर में आपके पास में अरेन्ज आपको मिलने वाली है प्ले में जब आप इसकी बात कर रहे हो तो आपको कौन सी प्ले देखनी है एनसीईआरटी वाली देखनी है ये क्यों बोल रही हूं मैं बिकॉज आप देख देखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही दो प्लेलिस्ट है एक एनसीआर की है और एक है संदीप गर्ग की ठीक है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चीज कंप्लीट होना जरूरी है ठीक है आई गेस ये क्लियर होगा अब बात ये आती है ये ये जो आपका एनसीआर का कंसेप्ट है ना वो पूरा कंप्लीटेड है ठीक है अब बात ये आती है कि जब हम करते हैं पढ़ाई तो क्या जनरेट होते हैं कुछ ना कुछ डाउट्स राइट डाउट्स तो अराइज होते ही होते हैं तो अब उन डाउट्स को कैसे सॉल्व किया जाए तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रखूंगी ठीक है अब ये कब से स्टार्ट होंगे हमारे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस तो ये स्टार्ट होंगे हमारे फेबर से February से क्यों कर रहे हो right? जनवरी आपका एक डाउट आ रहा है तो हम मतलब मुझे नहीं पता होगा ना कि किस पर्सन का क्या डाउट आया है और कब डाउट आया है तो इसके लिए आप एक काम करना जब भी आप, आपके ये चीजें पढ़ोगे ओके okay? आपका चैप्टर्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको क्या करना है जो भी डाउट आया एक नोटबुक ले और उसमें जो है सारे डाउट्स लिखते जाओ जब मैं फेबररी में रेगुलर इंटरवल में लूंगी ठीक है आपके डाउट डाउट सॉल्विंग सेशन तो जब मैं आपके डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगी तब आप मुझसे आपके वो पर्टिकुलर डाउट्स पूछ सकते हो और अपने जो भी डाउट्स होंगे उन्हें आप क्या कर सकते हो क्लियर आउट कर सकते हो ओके okay? तो इसलिए ये मैं फेबर से स्टार्ट करूंगी पूरा जनवरी जो है वो मैंने आप लोगों को दिया है टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिकॉज डाउट्स को समझना तभी अच्छे से होना चाहिए जब आपके बाकी की चीजें क्लियर है ठीक है अगर हम वन टू वन वो ट्यूशन वाली चीज होती तो वो बात अलग होती कि मैंने अभी समझा और आपने अभी डाउट पूछा और मैंने सॉल्व कर दिया लेकिन अब वो नहीं है ना बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि आपको उतना इंटरक्शन नहीं मिल पाता मुझसे तो इसलिए जो है मैं आपके लिए रेगुलर इंटरवल्स पे जो है फेबर में हम लोग मिलेंगे अपने डाउट सॉल्विंग सेशन में ठीक है तो आपका आई गेस टी का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्या है क्लियर है उसके बाद में हम बात करें संदीप गर्ग की तो संदीप गर्ग में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ठीक है संदीप गर्ग में जो है स्टूडेंट्स मैं ना आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है चैप्टर नहीं पढ़ा है संदीप गर्ग में मैंने आपको क्या किया है एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का वीडियो बनाया मतलब कि वो एक काइंड kind ऑफ of क्या है वन शॉट रिवीजन है पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में क्या हुआ है हमारा कंप्लीट हुआ है ठीक है तो वो चीज जो है वो आपको संदीप गर्ग में देखने को मिलेगी ना जब आपको संदीप गर्ग के कंसेप्ट पढ़ने तो आपको कौन सी प्लेलिस्ट पर जाना है इलेवेंथ इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे उसमें जो है आपको एनसीआर पर नहीं जाना है अब किस पर जाना है संदीप गर्ग पर जाना है ठीक है जब आप ये वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको जो है आपकी सारी चीजें बिल्कुल अरेंज्ड मिल जाएंगी संदीप गर्ग जो हमारी रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो सब कुछ पढ़ा है वो आपको मिल जाएगा तो अब जो है ये आपका संदीप गर्ग में आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिलने वाले हैं ऑल राइट दैट मीन वन शॉर्ट रिवीजन यहां पर जो आप टॉपिक वाइज पढ़कर आए हो आप लोगों को भी चाहिए होगा कि मैम हमने टॉपिक वाइज तो पढ़ लिया लेकिन अब जो है हम इतने बड़े बड़े वीडियोज नहीं देख सकते तो अब हमें क्या चाहिए अब हमें जो है एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीटेड चाहिए तो वो चीज आपको यहां से मिल जाएगी आपके लिए एक एक चैप्टर जो है वो मैंने बिल्कुल एक एक वीडियो में क्या किया है कंप्लीट किया है आपके जो अभी प्रॉपर वीडियो हैं, वो सारे चैप्टर के नहीं आए हैं जो कि टर्म टू के आने वाले है, थीके? तो ये जो है इस पर अभी वर्क चल रहा है तो इसको मैं डब्ल्यू आई पी लिख दू वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है आई गेस समझ गए मतलब कि इनके कुछ वीडियोस आप लोगों को मिल चुके होंगे कुछ चैप्टर्स के कुछ चैप्टर के भी नहीं मिले तो वो आ रहे हैं वन बाय वन वो अपलोड होते जाएंगे ठीक है ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो मटेरियल है वो प्रिपेयर्ड है आप इतना पढ़ो तब तक ये चीजें बिल्कुल आपके लिए लाइन अप पीछे के पीछे चल रही है ऑल राइट right? डेली वीडियोज अपलोड होते हैं आप लोग डेली देख सकते हो कि एक 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 टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता जा रहा है राइट उसके बाद में बात आती है अनसोल्व प्रैक्टिकल्स की तो देखो आप जब आपके रेफरेंस बुक देखते हो स्टूडेंट्स तो उसमें आपके पास में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे जो है अनसोल्व प्रैक्टिकल्स होते हैं तो सोल्व प्रैक्टिकल्स को तो आप सॉल्व कर लोगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उसके सोल्यूशन को देखकर सॉल्व कर सकते हो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रॉब्लम आती है जब हम अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करने जाए और हमें किसी चीज का सल्यूशन ना मिले और हम वहां पर क्या हो जाए स्टक हो जाए अटक जाए तो फिर हम अब, अब उसे कैसे सॉल्व करेंगे तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है अनसोल्व प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करवाया है ठीक है अब आप पूरा यूट्यूब देख लेना आपको ये अनसोल्व प्रैक्टिकल्स कंप्लीटली फ्रॉम वन टू लास्ट ओके जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उतने जो है अनसोल्व प्रैक्टिकल्स किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर चैनल ने नहीं सॉल्व करवाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिलने वाला है ओके okay? तो एज हम लोग आप लोगों को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन हमेशा एक कदम आगे चलता है और अपने स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल वो हमेशा रेडी है एक एक चीज को प्रिपेयर करवाने के लिए तो बस ये भी वही है कि ये चीज किसी ने नहीं करवाई है अब अगर आपको वीडियोस मिलेंगे तो बिल्कुल देख लेना कि वो मैग्नेट ब्रेन के बाद में ही मिलेंगे ठीक है कि मैग्नेट ब्रेन ने ये चीज स्टार्ट की तो इससे देख किसी और ने कॉपी किया है तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पर मिलने वाला है तो ये जो अनसॉल्व प्रैक्टिकल है मैंने एक एक प्रैक्टिकल आप लोग प्रैक्टिकल जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सॉल्व किया है ये वीडियोज भी अभी आपके पास में कंप्लीटली नहीं पहुंचे हैं चैप्टर बाय चैप्टर वो अपलोड होते जा रहे हैं कुछ चैप्टर्स के अपलोड हो चुके हैं कुछ के वो अपलोड हो रहे हैं तो ये भी जो है इसके साथ साथ में चलता जा रहा है ठीक है मतलब कि यहाँ पर भी जो है अभी हमारा वर्किंग चल रही है ऑल राइट right. और फिर बात आती है लाइव डाउट सॉल्विंग की तो देखो अब मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एनसीआरटी और संदीप गर्ग में सेपरेटली लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस नहीं रखूंगी एक ही सेशन रखूंगी जिसमें आप लोग जो है आपको कहीं से भी डाउट आप पूछ लो नॉट इवन एनसीआरटी और संदीप गर्ग अगर कोई और रेफरेंस बुक आप जो प्रेफर करते हो और कोई सी बुक से आप पढ़ते हो वहां से आपको डाउट आए आप बिल्कुल पूछो बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ बोलेंगे हम सिर्फ ये वाली बुक पढ़ाएंगे ऐसा नहीं होता होता है है तो वही रहते हैं चाहे आप किसी भी बुक में देख लो बस उन को समझाने का तरीका अलग होता है। बाकी समझाया क्या गया है है वो वो सब कुछ सेम रहता है उसमें तो तो आपको जहां से भी जो भी जो डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो तो मतलब हम दिफ्रेंग दिफ्रेंग हाँ, हम सकते कि हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट लाइव सेशन ले ताकि आप लोगों के पास में भी क्या हो एक थोड़ी सी क्लैरिटी रहे और मेरे पास भी क्लैरिटी रहे अदरवाइज जब होता है कि हम सब कुछ एक ही पर्टिकुलर सेशन uh, में ले रहे हैं तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो कि स्किप हो जाते हैं ओके okay? इसलिए हम जो है चैप्टर बाय चैप्टर ले लेंगे अपने डाउट सॉल्विंग सेशंस ताकि आपका एक-एक चैप्टर -एक जो है वो बहुत ही अच्छे से क्या होता जाए कंप्लीट होता जाए ठीक है तो ये चीजें हैं अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि चलो ठीक है एनसीआरटी पूरा कंप्लीटेड है और संदीप गर्ग जो है वो अभी चल रहा है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो अब बात ये आती है कि ये कंप्लीट कब तक होगा राइट right. आपको एक डेडलाइन चाहिए ना कि अच्छा माम आप ये बता दो कि आप कब तक कंप्लीट करने वाले हो ताकि उस हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन भी करते जाएं तो ये कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स इसकी मैं मैक्सिमम डेट बता रही हूँ ये वैसे तो ये फिफ्थ जैन के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा बट फिफ्थ जैन के बाद तो ये नहीं लेने वाला है ठीक है तो ये मैंने आपको एक जो है मैक्सिमम डेट बताई कि इतना तक तो आपका जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है मैं सिर्फ अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूं आपका जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ऑल राइट right? तो आई गेस की आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है ये सारी चीजें और देखो फिफ्थ फिफ्थ ऑफ जैन अगर ना भी हुआ मान लो ये टेंथ ऑफ जैन भी हो जाए वैसे तो ये नहीं होगा बट अगर मान लो ये हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स देखो आपके पास में जो है मटेरियल बहुत सारा है अगर आप पढ़ना चाहो तो वहां पर जो है बहुत मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है है ये भी आपके पास में बाय आता जा रहा है, तो आपको जो है बिल्कुल ये चीज तो करनी नहीं है कि मैडम आपने जो है कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है आप अब पढ़ो तो राइट right, आपके पास में जितना है ना आप उतना पढ़ लो तो भी बहुत हो जाएगा तो आप पढ़ो पढ़ते जाओ आपको और चीजें मिलती जाएंगी ठीक है तो आई गेस कि ये चीज क्लियर है आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरा क्लियर है अब जैसे हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखा सेम वे में हम लोग क्या देख लें अपना स्टैटिस्टिक्स देख लें स्टैटिस्टिक्स में भी सेम है स्टूडेंट्स आपके पास में एनसीआरटी और संदीप गर्ग है ठीक है अब बात करें हम स्टैटिस्टिक्स एनसीआरटी की तो इसमें जो कंप्लीट चैप्टर है टॉपिक वाइज वो कंप्लीट हो चुका है हमारा जो हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो भी क्या हो गए हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा तो ये आपको मिलेगा इलेवेंथ स्टैटिस्टिक्स ठीक है इसकी प्लेलिस्ट बता रही हूं मैं इलेवेंथ स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया है टॉपिक वाइज फिर उसके बाद में उसके प्रैक्टिकल्स और फिर एनसीआरटी सॉल्यूशंस, सेम वे में इलेवेंथ स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीटेड है ठीक है अब जैसे इलेवेंथ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको समझाया लाइफ डाउट सॉल्विंग सेशंस का तो वो चीज हम लोग इधर भी करने वाले हैं और फिर हम बात करें किसकी संदीप गर्ग की तो देखो संदीप गर्ग में आपका ये कंप्लीट चैप्टर रिविजन और ये अनसोल्व प्रैक्टिकल्स अभी दोनों ही क्या है दोनों ही अभी हमारे पास में रिमेनिंग है ठीक है दोनों ही जो है वो अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं दोनों बचे हुए हैं तो अब ये कब तक कंप्लीट होंगे देखो जैसे ही आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ जस्ट फ्रॉम दी नेक्स्ट डे आपको स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे मैं स्टूडेंट्स एक, एक वीडियो या एक एक कंसेप्ट को एक एक दिन में क्यों अपलोड करती हूं क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आप लोग जो हो आप भी इन चीजों को वन बाय वन ही पढ़ने वाले हो राइट आप सबको एक साथ में तो पढ़ोगे नहीं है ना तो इसके लिए ताकि आप लोग कोई भी पर्टिकुलर वीडियो या टॉपिक को मिस ना करो इसलिए ये वन बाय वन क्या होते हैं अपलोड होते हैं ऑल राइट तो आपके ये दोनों ही चीजें रिमेनिंग है जैसे ही आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ नेक्स्ट डे से आपका जो है स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा और स्टैटिस्टिक्स जो है वो जनवरी के पहले पहले क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा ओके बाय एनी मीन आपका जो स्टैटिस्टिक्स है फॉर टर्म टू एग्जाम वो ट्वेंटी जनवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा कोई भी आपको जो है ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि बहुत लंबा खिंच रहा है तो दैट मीन्स ट्वेंटी जनवरी तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट उसके बाद में क्या है आपके पास में टाइम ही टाइम है आराम से कि आप सब कुछ कंप्लीट कर लो राइट लेकिन अब आप लोगों के लिए या आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग पढ़ाई आज से स्टार्ट करो ठीक है अब जब आपको ये संदीप गर्ग वाले वीडियोस चाहिए होंगे ना तो यहाँ पर संदीप गर्ग लिखा आएगा ठीक है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आज से आपकी पढ़ाई स्टार्ट करो बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में कोई भी चीज गिवन ना हो या आपके पास में कोई मटेरियल ना हो पढ़ने के लिए देखो कितना सारा मटेरियल ऑलरेडी गिवेन है ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बोथ है ना तो बहुत सारा मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है आपको क्या करना है इन्हें उठाकर पढ़ना है ऑल राइट यहाँ पर भी जो है मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैडम हम तो यहीं से पढ़ेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ही अच्छे से हो जाए तो आज ही से आपको क्या करना है आपकी पढ़ाई स्टार्ट करना है आपको वीडियोस और मिलते जाएंगे आप उनसे जो है अपना और भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते जाना और फिर उसके बाद में हम लोग फेब्ररी में मिलेंगे विथ लॉर्ड्स ऑफ लाइव सेशन और इसके अलावा लाइव सेशन के अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट पेपर बना दूंगी जिससे कि आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन होता रहेगा कि हाँ इस बेसिस से जो है मतलब कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है वो एग्जामिन होती रहेगी मैं टेस्ट पेपर आप लोगों को जो हूं सॉल्व करके भी दे दूंगी सॉल्व करके कैसे दूंगी अब उसका सिंपल सा प्रोसेस होगा कि एक दिन पहले जो है आपके पास में टेस्ट पेपर आएगा व्याय कम्युनिटी पोस्ट वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी उसके बाद में आपको नेक्स्ट डे उसका वीडियो मिलेगा टेस्ट पेपर के सल्यूशन का तो आप लोग फिर जो है चेक कर सकते हो कि आपने कितनी चीजें सही लिखी है कितनी चीजें गलत लिखी है जो गलत लिखी है उसे आप फिर क्या कर पाओगे उसे आप फिर समझोगे कि कहां पर क्या गलती हुई है और फिर जो है आप लोग अपनी गलतियों पर वर्क कर कर एकदम एग्जाम में बिल्कुल ही अच्छे से रेडी होकर जा सकोगे ठीक है तो आ गया है कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है और साथ ही साथ आपके माइंड में एकदम अब जो है क्लैरिटी हो गई होगी कि मैग्नेट uh, ब्रेन का या फिर मैं बोलूं मेरा क्या अप्रोच है फॉर योर टर्म टू एग्जाम ठीक है तो आई गेस की आप लोगों के माइंड में आप कोई भी डाउट नहीं होंगे एकदम आप लोग हो गए होंगे क्लियर तो आई गेस की ये जो पर्टिकुलर वीडियो था यह आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा एंड प्लीज डू स्टार्ट योर योर स्टडीज ठीक है आपकी जो आज से ही प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए प्लीज़ डू नॉट वेट कि हम एक काम करते हैं न्यू ईयर के बाद में स्टार्ट करेंगे न्यू ईयर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसके मत वेट करो आज से पढ़ाई स्टार्ट करो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो तब जाकर जो है आपका हर एक कोर्स हर एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कवर हो जाएगा और आप लोग जो एकदम बहुत ही अच्छे से जो है आपके एग्जाम्स दे पाओगे तो आई गेस कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी और क्लियर भी हो गई होगी अब आई गेस कि ये चीज तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि प्लीज डू सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दोगे और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स लोग जो हैं वो भी इससे जो है बेनिफिट ले सके थैंक यू